आज हम एमजीएन समाचार के तरफ से वार्ड नंबर 7 कासिमबरी दरगाह के पास आए हुए हैं। एक तरफ महानगर पालिका दावा करती है कि औरंगाबाद शहर को हमने स्मार्ट सिटी के अंदर लिस्ट के अंदर, लेकिन आज यहाँ पे हालात ऐसे है कासिमबरी दरगाह के पास, ना ही रोड्स है, ना ही लाइट बराबर मिलती है यहाँ पे, और ना ही यहाँ पीने का पानी यहाँ के लोगों को मिलता है। आइए, यहाँ कासिमबरी के दरगाह के लोग हमारे साथ आज मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनकी तकलीफें क्या है, इनकी परेशानियाँ क्या है। क्या नाम है आपका? शकील कुरैशी। क्या मसला है वार्ड का? ये वार्ड में तो पूरी समस्या ही समस्या है। सबसे पहले तो कचरे की बहुत बड़ी समस्या है। हमने कॉरपोरेशन के बॉम्बे साहब है सहायक आयुक्त, इनके पास निवेदन दिए थे कि भाई हमारे वार्ड में कचरा घंटा गाड़ी चालू करो बोल के, तो कचरा घंटा गाड़ी एक 2-3 दिन आई, उसके बाद में जो है तो उन्होंने रियाज साहब के हाथ में दिए सब, कॉरपोरेशन के जो रियाज साहब है, तो रियाज साहब को कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कंटिन्यू उनको फ़ोन करते रहता। 10 मिनट में आएंगे, 20 मिनट में आएंगे, 25 मिनट में आएंगे, आप परेशान को फ़ोन करो, परेशान को फ़ोन करें, परेशान फ़ोन नहीं उठाता। मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है। और आगे नगर सेवक कौन थे? माजी नगर सेवक, यहाँ के माजी नगर सेवक संजय सेजुल बोल के थे। वो संजय सेजुल का तो ऐसा है, वो तो कभी वार्ड में आए नहीं, वार्ड में आए नहीं, कभी देखे नहीं कि वार्ड की क्या समस्या है, क्या है। अब जो कुछ है कि हम ये वार्ड के लोग वार्ड के वास्ते भाग दौड़ करते। अच्छा, यहाँ पे यहाँ की जो तकलीफें है, वार्ड की जो तकलीफें है, रोड्स है, चैम्बरलैंड, जो भी मसला है, इसके ताल्लुक से आपने म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे साहब से कभी एप्लीकेशन किया है क्या उनको जाके? हमने पांडे साहब को तो नहीं, लेकिन बॉम्बे साहब को हमने निवेदन दिए थे ये बारे में, बॉम्बे साहब से बात भी हुई थी, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि ठीक है, डेली गाड़ी आएंगी, और उसकी जिम्मेदारी भी जो है तो उन्होंने रियाज साहब को और प्रशांत को दिए थे। तो रियाज साहब भी ये बात को इजी ले रहे, पता नहीं कि उन पर कोई प्रेशर डाल रहा है या क्या कर रहा है, ये वार्ड में जाओ मत, वार्ड के कुछ काम करो मत, वार्ड का कचरा मत उठाओ। अब 2-3 दिन गाड़ी ने आके जो यहाँ का कचरा उठाई, कचरा उठाने के बाद यहाँ सामने ला के उन्होंने डंपिंग करे, गंदगी कम करना तो दूर रहा और गंदगी बढ़ा दिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या परेशानी है वार्ड? लाइट की भी बहुत बड़ी परेशानी है। ये हमारे गढ़ नंबर 99 में यह हाल है कि लाइट के वायर जो है तो अपनी हाइट के हिसाब से ऐसे जा रहे, तो इससे बहुत जान को धोखा है लोगों के। और हमने इसके बारे में बावले साहब से मिले, उनको भी निवेदन दिए कि भाई आप आओ, तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिए कि हम 2 दिन में सर्वे को आ रहे, लेकिन कोई पता नहीं है उनका भी, कुछ भी नहीं है। बस यही हाल है हमारे वार्ड का। और उसके आगे जो है पानी की समस्या है, यहाँ नल की लाइन नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, रोड की कोई सुविधा नहीं है, कोई देखने तैयार नहीं है। हमारे जो नगर सेवक थे सुभाष सेजुल साहब, तो सेजुल साहब ने 5 साल में तो सिर्फ हमारे वार्ड में कभी आए भी नहीं, कोई यहाँ का पुरसा निहाल नहीं है हमारे वार्ड का। मेरा नाम अकरम खान है। क्या मसला है वार्ड? यहाँ पे बहुत तकलीफ है, कचरे की तकलीफ है, कचरे की पूरी बात आती और पूरा पानी कचरे का जो बोर में आ जाता, पीने के पानी की तकलीफ है, रोड की तकलीफ है, उससे जो बीमार है और उसमें बच्चों को भी परेशानी है। मेरा नाम रियाज खान है और मैं यहाँ पर तकरीबन 15 साल से रह रहा हूँ, और यहाँ पर जो तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें बार 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 कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बताने के बावजूद भी वो लापरवाही से बात करते हैं और कोई भी जो तो एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से यहाँ के सब लोगों को परेशानी होती है। ये कचरे के बारे में इतनी बार झगड़ा किया, एक बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कचरे की वजह से, तो ये सारे लोगों ने मेरे को दवाखाना लेके गए थे सिर्फ वो धुएं की वजह से। वो धुएं का भी बोल बोल के थक गए, मगर वो कॉरपोरेशन वाले बात करें कि जला देते वो कचरा, कचरा जलाएगी, धुआँ जब फैलता तो पूरे एरिया को घेर लेता वो धुआँ। कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बात कर रहे तो अधिकारी कोई देखने को तैयार नहीं। कौन से अधिकारी से बात की? क्या नाम है अधिकारी? हमारे लीडर है हमारे शकील भाई, इन्होंने बात करे हुए वो लीडर वो अधिकारी से, तो कहा बॉम्बे साहब, बॉम्बे साहब से बात करें तो वो कोई एक्शन लेते नहीं। हाँ, आ रही गाड़ी फायर ब्रिगेड के, फायर ब्रिगेड, और धुआं इतना खतरनाक हो जाता कि ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया है जिसकी वजह से ये धुआं फैला हुआ है। आखिर कब तक ये बर्दाश्त करेंगे यार? कॉरपोरेशन को थोड़ी बहुत तो भी शर्म आने को ना। कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है वो हराम की तनख्वाह लेके बैठे हुए हैं, यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़े हुए क्या? वो उनको समझ में नहीं आती ये बातें। बच्चे बेहोश हो जाते हैं, वो बच्चों की तरफ देखना कौन? बोर के अंदर पानी जो आता है वो गंदा पानी आता है, क्योंकि वो वहाँ की गिलासत का पूरा पानी आता है, जिसकी वजह से यहाँ की तकलीफें हो रही है। ये कौन देखना है? कॉरपोरेशन के हराम की तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए। कितने साल से मसला है साहब? ये मसला आज कम से कम 4-5 साल से ये कचरे का आ रहा। पानी का तो मसला शुरू से ही है, यहाँ पर पानी है ही नहीं। यहाँ पर
पानी के लिए इतनी परेशानी होती कि पानी का हिसाब मारा मैंने 14-15 साल का, तो मेरे 4.5-5 लाख रुपए पानी के अंदर गए। देखिए मेरा नाम अब्दुल गफ्फार पटेल है और यहाँ जो हमारा वार्ड नंबर 7 है, यहाँ पूरी गरीब बस्ती यहाँ से, और यहाँ पानी की तो बहुत ही समस्या है, लाइट की समस्या है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, रोड नहीं है, और यहाँ आधे से ज़्यादा लोगों ने ये भरे हुए हैं घर के टैक्स वगैरह, और ये हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। एक समस्या है तो बताएंगे, यहाँ तो समस्या समस्या है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा पानी जी से कि हमारे तरफ अच्छे से अच्छा ध्यान दीजिए और हमारा काम वक्त भी क्या करे। और ये जो कचरा है, और कचरे के अंदर से जो बोलने को गए तो वो सिलगा रहे थे, और वो धुएं से हमारे मासूम मासूम बच्चे गुड़मुड़ जाते और उनको बीमारी हो जाती, बेहोश हो जाते, दवाखाना लेके भागना पड़ता। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप पांडे साहब ने हमारे तरफ ध्यान दें और हमारे बस्ती को ज़रा सपोर्ट करें और अच्छे से अच्छा बेहतरीन बनाए, बस हमारी ये हुए। आज आपने देखा यहाँ पर कासिमबरी दरगाह वार्ड नंबर 7 के लोग काफ़ी नाराज़ है महानगर पालिका से, क्योंकि ना ही महानगर पालिका यहाँ पे इनसे टैक्स तो बराबर ले रही है, लेकिन यहाँ पे इन्हें जो मूलभूत सुविधाएं देने चाहिए थी वो सुविधा इन्हें नहीं दे पा रहे। ना ही रोड्स है, ना ही पीने का पानी है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।